लालकुआ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं जिला प्रवक्ता हरेंद्र सिंह वीरा ने कहा कि कांग्रेस ही किसानों की सच्ची हितैषी है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ेगी और हरीश रावत ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस 50 सीटों पर विजय हासिल करेगी। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता जिला प्रवक्ता हरेंद्र वीरा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है और सिर्फ भाषणबाजी से जनता को गुमराह कर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी तरह की गुटबाजी नहीं करती तथा सभी कांग्रेस कार्यकर्ता 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी से पूरी निष्ठा व लगन से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 6 साल देश बेहाल कांग्रेस का नारा जन जन तक गूंज रहा है। प्रदेश में 2022 का शंख बज चुका है। सबसे बड़े चेहरे के रूप में अगर आप बात करेंगे तो इस वक्त सबसे लोकप्रिय चेहरा जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के महासचिव पंजाब के प्रभारी आदरणीय हरीश रावत जी का चेहरा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी के स्वर्ग में जाने के बाद अगर हमारे पास कोई चेहरा इस उत्तराखंड में है तो हरीश रावत जी का चेहरा विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कार्यकाल में बहुत सारी योजनाओं को अंजाम दिया। दूसरा यह है कि यहाँ पर जो है हाईकमान को तो एक भी मिनट देरी नहीं करनी चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी को, हमारे नए प्रभारी देवेंद्र यादव जी को मैं विनती और प्रार्थना करना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं की ओर से, एक मिनट भी इसमें देरी न करें। हरीश रावत जी को सीधे सीधे यहाँ पर 2022 के लिए चेहरा घोषित कर दें और उनके नेतृत्व में हम कार्यकर्ता अपना काम में लग जाएं और धीरे धीरे सब लोग मिल करके यहाँ पर काम करेंगे। प्रदेश में कोई गुटबाजी जैसी चीज़ नहीं है, सब लोग मिल करके कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और 2022 में जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को कम से कम 50 सीटों से यहाँ पर जिताना है। लेकिन हरीश रावत जी का चेहरा आगे होता है तो जनता और कार्यकर्ता दोनों में भारी जोश और उत्साह होगा। यहाँ पर देखिए, जो भी विकास कार्य कांग्रेस ने यहाँ पर स्थापित किए थे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो, चाहे आईएसबीटी हो, चाहे जू हो, तो उन योजनाओं को तो भारतीय जनता पार्टी ने अधर में डाल दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके योजनाओं को हमें आगे नहीं बढ़ाना है और न ही यहाँ पर बेरोजगारों की कोई समस्या हल हुई, न किसानों की समस्या हल हुई। आज किसान परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, सभी मिलकर के इस सरकार से परेशान है और आज जनता ने मन बना दिया है आने वाले 2022 में चुनाव में इसका जवाब दे हम देने जा रहे हैं।